जय हिंद दोस्तों। मेरा मानना है कि हर सुबह आपके लिए बिल्कुल नया है और हर सुबह एक नई उम्मीद है। हर सुबह और हर दिन आप एक नई उम्मीद के साथ, एक जोश खरोश के साथ उस समय को का उपयोग करें। और मेरा मानना है कि न ही हर सुबह से शाम तक, हर दिन हर टाइम, बल्कि एक मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती है। जो अल्लाह ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको दिया है, ये बहुत कीमती चीज है। इसलिए बात सिर्फ इसकी नहीं है कि नया साल होता है तो हम क्या करें, कैसे करें, ये बात नहीं है। डाउट नहीं है कि लोग नए साल का इंतजार करते हैं किसी प्लान के लिए, कुछ नया करने के लिए। हालांकि नई सुबह हर दिन आपके के लिए नया है, कुछ नया करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एक किसी व्यक्ति से, अगर आप पूछेंगे कि पूरी दुनिया में कि भाई साहब आज कौन सी डेट है या कौन सा दिन है, तो वो आपको ग्रिगेरियन कैलेंडर के अनुसार ही आपको बताने की कोशिश करेगा कि ग्रिगेरियन कैलेंडर के अनुसार, के अकॉर्डिंग आप आज की तारीख है 31 दिसंबर 2022। हालांकि और भी बहुत सारे संवत चलते हैं, पर पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हर एक व्यक्ति जिससे भी आप तारीख पूछेंगे, वो आपको ग्रिगेरियस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है, 1 जनवरी का इंतजार लोगों को होता है। कोई नई काम, खास तौर से युवा तबका बहुत ज्यादा, मतलब इंथुजियास्टिक अप्रोच रखते हैं कि 1 जनवरी से काम करेंगे। कई बार तो 1 जनवरी भी फ्लॉप हो जाती है तो 1 फरवरी आती है, 1 फरवरी के बाद 1 मार्च आता है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, और इस तरह से चलते चलते फिर 1 साल का इंतजार होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दिन हम लोग क्या करें, कैसे करें, क्या सोचें, किस तरह इसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी जिंदगी में होती है कि हम लोग पुर उम्मीद रहें। एक कुरान की एक आयत है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ईश्वर की रहमत से आप नाउमीद नहीं होइए, आप बा उम्मीद रहिए। अब सबसे पहले पॉइंट पे जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है हेल्थ। देखिए, जो साल आपका गुजरा है, आप ये मान के चलिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है और आने वाले वक्त में भी आपकी हेल्थ और अच्छी होगी। आप कभी देखिए, कभी भी आप निगेटिव मत सोचिए कि बहुत सारे लोग इस सोच में जिंदगी को बर्बाद करते हैं कि मेरी हेल्थ खराब है, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे बहुत सारी परेशानी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपकी जो अभी हेल्थ है वो सुपर है और आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर आपकी हेल्थ होनी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आप कम से कम 5-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं 1 ही जनवरी से ही। सही, 10 मिनट आप निकालिए योगा के लिए, साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। सिर्फ 10 मिनट मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं करते हैं तो इतना करना आप जरूर शुरू कर दीजिए। और देखिए, दिमाग में ये ख्याल मत लाइए कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी हेल्थ खराब है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हेल्थ खराब उसका होता है जो आईसीयू में है, उसको भी थोड़ा बहुत खराब है। अगर उम्मीद सही है तो आईसीयू से निकल के आके वो बहुत आगे जा सकता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में और बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन में उनकी हेल्थ रही है और बहुत बड़े वो विनर हुए हैं, चैंपियन हुए हैं वर्ल्ड में हर तरह के। तो आप कम से कम आप ये देखिए, आपकी हेल्थ खराब है, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, हार्ट है, आप आईसीयू में तो नहीं है ना। तो ये आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, आपको पहनने को नहीं मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। एक आदमी के बारे में मैं बताता हूं आपको कि एक आदमी बहुत ही गमगीन था, बहुत परेशान था क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे। तब तक वो परेशान रहा जब तक उस व्यक्ति ने ये देखा कि एक आदमी
जिसके पास दो पांव ही नहीं है और वो बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो आप ये बताइए कि बहुत सारी चीजें रेफरेंस में है, जो चीजें आपको अवेलेबल है तुम्हारे बहुत सारे लोगों को नहीं अवेलेबल है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप मुस्कुराइए हर दिन, आप मुस्कुराइए, लोगों से मिलिए, अच्छे दोस्त बनाइए। और अब हम बात कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। पिछले साल में आपने जो किया उसमें आपके अंदर एक सुधार होना चाहिए, आपने बहुत सारी चीजों को रिफॉर्म करना है जो आपने नहीं किया। एजुकेशन को लेकर के आप प्लान बनाइए, पूरे साल में आपको तैयारी करनी है, आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज की, जिस काम को करना चाह रहे हो, उस काम को, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आपको लेकर के चलिए, उसके अकॉर्डिंग आप पूरे प्लान बनाइए। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस से भी हम तैयारी कराते हैं, रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे आप 5 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो करते करते आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कई लोग क्वालिफाई किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक के बारे में आप 5 घंटा निकालें, आप आधा घंटा तो निकाल सकते हैं, 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। तो आप ये अपने आप से वादा कीजिए कि नए साल में आप 1 घंटा निकालिए और तैयारी शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातों को लेके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बातों को, जो हम जी के बेसिक कोर्स पढ़ा रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए, अलग अलग कॉपी बनाइए, करंट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितनी सीरीज है सबको लिखिए, सारे टेस्ट सीरीज कीजिए, करंट सीरीज कीजिए, इंग्लिश वर्ड्स आप याद कीजिए, ये सब छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे सुधार अपने, अपनी पर्सनालिटी में सुधार करने के लिए, आप देखिए इस बात को आप जान लीजिए कि आपकी जो कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आपने क्या पढ़ा है। आप अपने बड़ों का, आप अपने वालदैन का, आप अपने माँ बाप का और आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको आप जितना सम्मान देंगे उतना आप दुआ पाएंगे। उसके बाद आप बेस्ट फ्रेंड के लिए उत्सुक रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बेस्ट फ्रेंड जो आपको, जो हेल्पिंग नेचर हो, बेस्ट फ्रेंड जो आपको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करे, जो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में हेल्प करे। और नेगेटिव ख्यालात के लोगों से दूर रहिए, जो लोग नेगेटिव मेंटेलिटी के हैं उससे आप जितना बचेंगे वो आपके, समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ा, आपकी पर्सनालिटी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। उस चीज को जितना जल्दी हो आप खत्म कीजिए, अच्छे दोस्त को आप क्रिएट कीजिए, आपकी जो क्या कह रहे कि आपकी पर्सनालिटी का सही मेजरमेंट आपके बेस्ट फ्रेंड से हो सकता है। और एक पॉइंट है उसमें रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, आप टाइम का रेस्पेक्ट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं और मैं कह रहा हूं कि देखिए एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक मिनट का भी इज्जत कीजिए। अगर आप इस एक मिनट की इज्जत करते हैं ना, एक मिनट में आप क्या कर सकते हैं आपको पता है, एक मिनट में आप दो क्वेश्चन जीके का याद कर सकते हैं। इस दो क्वेश्चन जीके का अगर याद कर लेंगे, सपोज आप कौन बने करोड़पति में पहुंच गए, तो वो दो क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, वो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, वो दो क्वेश्चन। तो देखिए इस एक मिनट के का उपयोग अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी जगह पर फेल्योर रहेंगे। तो हर एक मिनट को आप अपना क्या कह रहे कि रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और टाइम ही आपको डिफीट करने वाला है। ये जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सब चीजें आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं, यही टाइम यू टर्न लेगा और यही टाइम जो है आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाता है और आपको डिफीट कर देगा। यही लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आपकी आलोचना शुरू कर देंगे। तो टाइम को बिल्कुल कंपार्टमेंट में लेकर के चलिए, टाइम का एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए। अगर आप नहीं बना सकते तो हमसे कहिए, हमारी पूरी प्लानिंग है, पूरा हमने 1 ईयर प्लान बनाया हुआ है, मेरी वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, कोई उलझन है तो आप हमसे बताइए। और
ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलूंगा खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखिए खुश रहना अपने आप में एक एटीट्यूड है, एक 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 क्या कहते हैं डेवलप्ड और रिच मेंटलिटी एटीट्यूड डेवलप कीजिए। आप खुश रहने की एटीट्यूड डेवलप कीजिए। आप हमें यह बताइए, आप ये सोचते हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो खुश रहेंगे, आप ये सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो खुश रहेंगे। याद रखिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे वो भी खुश नहीं है, क्योंकि खुश रहना अपने आप में एक एटीट्यूड है, एक मानसिकता है, एक मेंटलिटी है। अब देखिए छोटा बच्चा जो गरीब का है या अमीर का है उसके पास तो धन दौलत होता नहीं है, वो कितने खुश रहते हैं, वो क्या कि वो खुश इस बात से तो नहीं रहते कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये बिल्कुल एक एटीट्यूड है। गरीब व्यक्ति एक दिन कमाता है, जो भी दिहाड़ी होता है 400-500 रुपया आता है, खाना बनाता है, बेहतरीन खाना खाता है, जो भी है उसके मींस उसके अकॉर्डिंग, और वो बहुत खुश रहता है। और हम लोग आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करने के चक्कर में अपने आप को भूल चुके होते हैं। तो जिंदगी में खुश रहना, तो जिंदगी को बिल्कुल आप एकदम मैनेज कीजिए कि आपके इसके अंदर हैप्पीनेस होना चाहिए, इसमें रेस्पेक्ट होना चाहिए, बड़ों का माँ बाप का अदब होना चाहिए, इसके अंदर हेल्थ होना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इसमें एडुकेशन की जगह होनी चाहिए, इसमें बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब आपका मतलब प्लानिंग होना चाहिए नए साल को लेकर के। तो इस प्लानिंग के तहत करिए और आप इन सारे के लिए पूरे डे को कंपार्टमेंट में बांट दीजिए। पूरे दिन को अगर आप 8 घंटा देना चाहते हैं, 12 घंटा देना चाहते हैं, 12 घंटे को आप कंपार्टमेंट में बांटिए कि हेल्थ को आप कितना देना चाह रहे हैं, एडुकेशन को कितना देना चाह रहे हैं, बड़ों के लिए कितना टाइम रखना चाह रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना टाइम रखना चाह रहे हैं, माँ बाप शिक्षक के लिए कैसे आप खुश रहेंगे, दोस्ती के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अपने हिसाब से। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए और मैं और होप कभी मत छोड़िए। आप देखिए हर चीज जो है ना होप पे ही डिपेंड कर रहा है। जैसी आपकी उम्मीद होगी, जैसा आप होप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो होपलेस मत होइए, ईश्वर से हमेशा पॉजिटिव होप रखिए, उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़िए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो ये नया साल आपके लिए एक उम्मीद का साल है और इसमें आपका बहुत बड़ा होने वाला है जो आपने सोचा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हर नए दिन की, हर नए साल की, हर नई सुबह की, हर नए मिनट की। हर नए मिनट को आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।